हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का मेरा जो वीडियो है वो फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में कुछ पोस्ट निकली हैं। टोटल 8 पोस्ट निकली हैं। तो इस पोस्ट के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर द्वारा निकाली गई है, हायरिंग किसके लिए हो रही है? एरोनेट और ब्लोनेट ऑपरेटर्स की हो रही है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 सितंबर 2021 से शुरू होगी और जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की वो होगी 13 सितंबर 2021, ठीक है। और टाइम भी दिया है 4:00 PM का। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये भी बोला गया नीचे कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मेल करनी पड़ेगी अपनी डिटेल्स, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग स्क्रूटनी की जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो BCA, BSc, IT, BTech किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन मिनिमम 55% जो है वो पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए डिग्री में, एंड 1 ईयर डिप्लोमा भी हो सकता है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने मांगी है कितनी, एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट। फिर उस इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले में 1 सेकेंड में उन्होंने मैंशन किया है एज लिमिट कितनी होगी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। तो ओनली लोकल एलिजिबल कैंडिडेट्स जो श्रीनगर के हैं वो ही एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एज ग्रुप रखा गया है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स, ठीक है। ब्रैकेट में उन्होंने ईयर भी दिया कौन सा इंक्लूसिव है कौन सा नहीं। फिर उसके बाद जो आपके पास ये वैकेंसीज है थर्ड पॉइंट पर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया था, टोटल 8 पोस्ट निकाली गई हैं। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर की गई है। उसके अलावा जो हायर कैंडिडेट्स उनका क्या रेमुनरेशन होगा, ठीक है, वो बताया गया यहाँ पर 14,688 रुपीज़ होगा पर सोर्स पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या रखा उन्होंने, कोई टेस्ट नहीं रखा। जैसे BCA, BSc, IT और BTech वाले जो अप्लाई करेंगे उनका वेटेज लिया गया 70 पॉइंट्स का, ठीक है। उसके अलावा जो लोग ग्रेजुएशन से मतलब किसी भी डिसिप्लिन में उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है उनको वेटेज दी गई 50 पॉइंट्स की। फिर टाइपिंग स्पीड की जो है एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट जो उन्होंने मांगे हैं उसकी 20 पॉइंट्स रखें। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एरोनेट और ब्लोनेट ये भी मांगा है एक्सपीरियंस भी, इसके टोटल 10 पॉइंट्स का वेटेज रहेगा। और वाइस मतलब आई थिंक जो ऑनलाइन वाइवा होगा उसके उन्होंने 20 पॉइंट्स रखे, दैट मीन्स टोटल 100 पॉइंट्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट में है यहाँ पर आप देख रहे हो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बोले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद ये जो परफॉर्मा है इस परफॉर्मा को आपको भरकर, इस परफॉर्मा को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेम डॉटर ऑफ, ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th में है, एज जो आपकी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस परफॉर्मा में भरनी है, सही सही भरनी है और इसको मेल कर देना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसी के बेसिस पर वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और जो भी वेटेज उन्होंने रखी है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको और डिटेल्स जाननी है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप या तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारी एजुकेशन वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.eduworld24.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।